सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल लकीज गार्डन को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लकी कुमार है, आप मेरे चैनल लकीज गार्डन पर बने हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसे बस एक बार आप स्प्रे करके देखिए अपने प्लांट पे, और मतलब मेरे हिसाब से प्लांट पे भी, और मैं आज लेकिन गुलाब के ऊपर बताऊंगा। गुलाब के ऊपर इसे बस एक बार आप प्रयोग कीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, मेरा कहना है। तो मतलब मेरे हिसाब से उसकी पूरी पत्तियां पे भर जाती हैं इसका स्प्रे करने के बाद। और उसके बाद इसका एक और फायदा रहता है, इस पर जो फूल आते हैं वो काफ़ी डार्क कलर के आते हैं और बड़े बड़े आते हैं और बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। ये मेरा अभी बना हुआ नहीं है, ये मैंने इसे पहले मतलब मैंने इस बोतल में मैंने एक फर्टिलाइजर पहले ऑनलाइन मंगवाया था। चलिए पहले शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जैसा कि ये मल्टीप्लर मैंने ऑनलाइन मंगवाया था 20 रुपये में, तो सेलर का नंबर रिसेप्शन में है, आप जाकर ले सकते हो। सेलर का नंबर मैंने रिसेप्शन में दे दिया, आप जाकर वहां से ले सकते हो। तो इसी को मैं बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है। इसी को यूज करने से मेरे हिसाब से हजारों फूल आते हैं। ये गुलाब पे मैंने ग्राउंड में लगाया, स्प्रे किया है मैंने, और उस पर काफी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने इसी बोतल में पहले किया था, तो ये कुछ उसके दाने रह गए थे, इसमें पाउडर होता है, तो ये अभी बना नहीं है। आपको 1 लीटर पानी लेना है और ये मल्टीप्लर लेना है और एक स्प्रे पंप कोई सा भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैं सबसे पहले तो अपना स्प्रे पंप खोल लेता हूँ। इसको बनाना बहुत ईजी है, और ये जो मल्टीप्लर है इसको हमको बस डालना है इसमें, और कुछ हमें 2-3 दिन तक छोड़ना भी नहीं है, बस डाल के स्प्रे कर देना है डायरेक्ट। तो बहुत इजी है, इसका प्राइस भी देख सकते हो, इसके पीछे इसका यूज करने का तरीका भी बताया है मैंने। ये जितने प्लांट है इस पे सब पे स्प्रे किए थे मैं, एडिनियम पे भी ये स्प्रे कर सकते हैं। एडिनियम पे तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये इस तरीका का पाउडर आता है, अब हम इसको डालना है इस पानी में। जो किसान भाई होते हैं इसका 1 केजी का भी पैक ले सकते हैं मल्टीप्लर, ये किसानों के लिए भी अच्छा है। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ी देर तक इस तरीके से मिला लेना है इसको घोर के। पहले इस तरीके से मिला के मैं स्प्रे बोतल अपना बंद करता हूँ। मैंने बंद कर लिया, अब हम इसे इस तरीके से मिला लेंगे। बस ये मिल गया, ये देख सकते हो कि कितने डार्क कलर का आ गया। अब इसे मैं इसका रिजल्ट भी आपको दिखाता हूँ अपने एडिनियम और काफ़ी सारे प्लांट पे। तो चलिए पहले रिजल्ट देखते हैं, तब तक के लिए इसके 2-3 मिनट इसके छोड़ देते हैं अलग। तो ये देखिए, मैं चांदनी का प्लांट है, ये कितना मैंने स्प्रे किया था। देखिए स्प्रे करने के बाद ये आपका प्लांट पे काले काले यही हो जाते हैं, और ये देख सकते हो कि कितना अच्छा रिजल्ट है। और मैं एडिनियम पे भी आपको दिखा देता हूँ, एडिनियम पे भी मैंने किया था। पहले मेरा एडिनियम कुछ इस तरीके से था, मैंने इस पे भी स्प्रे नहीं किया, और मैंने इस पे स्प्रे किया पर्निंग के बाद। तो देख सकते हो अब पूरा एडिनियम ही भर गया है। इसके ऊपर अलग भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये मेरा दूसरा एडिनियम, देखिए इस पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है काफ़ी सारी। और ये मेरा रोज है, मैंने अभी रोज पे स्प्रे इस वाले पे किया है, तो ये भी देख सकते हो कितना घना है। और इस पे भी मैंने गुलदाउदी पे भी किया था, ये भी पूरा घना हुआ है। तो आप इसे कोई भी प्लांट पे कर सकते हो। तो मैं आज इस पे इसको स्प्रे करूंगा। तो इसको स्प्रे करने के लिए मैं उसे कुछ और 2-3 मिनट छोड़ देता हूँ, और उसके बाद हम इस पे स्प्रे करते हैं। आज मेरे यहाँ अभी देखिए बारिश ही हो रही है, तो बारिश के मौसम में और अच्छा रहेगा स्प्रे करना। अभी यहाँ पे मेरे, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बारिश हो रही है, आप बारिश मौसम भी कर सकते हैं, धूप भी रहेगा धूप में भी कर सकते हैं। मतलब अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे हो जाएगा, तो बारिश के पानी से और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मेरा अब लिक्विड तैयार हो गया, चलिए अब हम इस पे स्प्रे करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये मेरा बन गया है, मैंने इसमें लेयर भी भर लिया है। अब हम इसके सिंपली ऐसे स्प्रे करेंगे। मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा लेयर और भर लेता हूँ। देखिए इस तरीके से पूरी आपकी पत्तियाँ जो हैं काली काली हो जानी चाहिए। देख सकते हो कितना गाढ़ा इस पे इसका स्प्रे है। ये देख सकते हो कि पूरे जो हैं प्लांट काले काले हो जा रहे हैं। जब तक आपके पूरे पत्ते नहीं भीग जाते इसको अच्छी तरीके से आपको स्प्रे करना है। मैं इसमें लेयर भर के स्प्रे कर रहा हूँ। तो ये मेरे इस गुलाब पे तो मेरे पूरे तरीके से हो गया। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका, इस तरीके से आपको पूरे अपने प्लांट पे स्प्रे करना है। ये मेरा तुलसी था, मैंने इस पे भी स्प्रे हो गया। और ये बहुत काला होता है, ये देखिए मेरा दीवार भी यहाँ पे खराब हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरीके से आप अपने पौधे, कोई भी पौधे, ये नहीं कर रहा हूँ कि गुलाब ही, मैंने आपको चांदनी पे भी किया हुआ है, एडिनियम पे भी आपको रिजल्ट दिखाई दिया। तो ये सब करने से काफ़ी सारा गुलाब के फूल आते हैं। ये देख सकते हो कि इसी के लिए मैंने ये किया। तो देखिए यहाँ से कितना रूट्स निकला और काफ़ी सारे इस पर फ्लावरिंग भी हुई। और ये देख रहे हो ये नए नए बर्ड्स निकल रहे हैं। तो आप इस तरीके से, अगर ये आपको ये ऑनलाइन सबसे पहले तो ये मंगवाना पड़ेगा। मैं रिसेप्शन में सेलर का नंबर दे देता हूँ, आप जाकर मंगवा सकते हो। ये आप फसलों पे भी यूज कर सकते हो। ये किसान के लिए 20 का 10 ग्राम है और 220 का 250 ग्राम का पॉकेट आता है और 1 केजी का 880 का। तो आप ले सकते हो आपको जितना लेना होगा। मैंने तो 10 ग्राम ही मंगवाया था, 10 पॉकेट। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा रेड कलर का, उसे क्लिक करके और बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटिव वीडियो एक वीक में 2 से 3 जरूर लाता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग और लाइक जरूर कर देना। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल लकीज गार्डन को और ये बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए।